इससे पहले क्या करवाया था करंट के अंदर? चुनाव आयोग के बारे में बताया था क्या? एक जो मैंने लेक्चर भेजे थे वो नोट कर लिए या वो सारे यहां करवा दिए थे आप लोगों को? जो मैंने लेक्चर भेजे थे, एक तो चुनाव आयोग वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले तो ये बताओ, जो ये लेक्चर भेज रहा हूँ उसको नोट करते हो क्या? देखो बेटा, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नोट नहीं करोगे उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। मैं जो भी यहाँ करवाता हूँ और वहाँ जो यूट्यूब पे भेजता हूँ, दोनों नोट करने हैं आपने, क्योंकि सीमा बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है, आप यहाँ कर पाते हो, अच्छी बात है वो, लेकिन हर चीज़ को कवर करने के लिए क्या हमें कुछ हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट अपने पास होने चाहिए। तो जैसे यूट्यूब में जो भी भेजता हूँ, चाहे 3 मिनट का भेजूँ चाहे 4 मिनट का भेजूँ, उसको आप है ना नोट किया करो, ठीक है ना। उस यदि नोट नहीं करोगे तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक, आइए, आप कुछ भी कहीं से कुछ भी पढ़ते हो वो आपकी समस्या है, लेकिन ये करना जरूरी है। अब आइए, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, पहले भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, आराम से करो इसको। सबसे पहली बात तो इसको जारी कौन करता है, या आप ये कह सकते हो कि कौन देता है, ऐसे ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई भारत सरकार है, लेकिन अकेले भारत सरकार से थोड़ी काम चलता है। तो ये जो एक मिनिस्ट्री है, लिखिए आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री वगैरह पूछी जाती है, तो इस पर गौर करें आप। अब मुझे ये बताओ, ये जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है, कौन बताएगा? इसके जो कैबिनेट मंत्री है ये है कौन, बताएगा कोई? ये है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। ब्रेक में लिख दीजिए आज की, मतलब नवंबर 2022 की स्थिति, नवंबर 2022 की स्थिति, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, फिर लिखो श्रेणियां। इस पुरस्कार की कई श्रेणियां हैं, कई कैटेगरी है, आपको हर कैटेगरी का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक तो इन्होंने कैटेगरी बनाई है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, ठीक। आइए, इसमें जो पहले नंबर पर जो पुरस्कार मिला है वो मिला है इंदौर को, इंदौर, इंदौर को मिला है, इसमें लिख दीजिए एक लाइन लिख दो, इस शहर को यह पुरस्कार, इस शहर को यह पुरस्कार लगातार 6ठी बार मिला है, लगातार 6ठी बार मिला है,
लगातार छठी बार मिला। ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है, ध्यान रखना, आगे भी एक आएगा इंदौर के संबंध में, भी थोड़ी देर में बताऊंगा उसको। दूसरा जो है सूरत है, और तीसरा जो है ये है नवी मुंबई। तीसरा जो है नवी मुंबई है, एक तीन तीन याद कर लो, ज्यादा और ध्यान देने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं। फिर लिखो दूसरी कैटेगरी क्या है, चलो आगे। दूसरी कैटेगरी में लिखो एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर। अब इसमें क्या स्थिति है, इसमें टॉप थ्री आपको ध्यान में रखने हैं। टॉप थ्री कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले तो लिखो पंचगनी, पंचगनी। ये जो पंचगनी है ये महाराष्ट्र का एक शहर है, इसको ये प्राइज मिला है पहले नंबर पर। दूसरा है पाटन, कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ वाला है, छत्तीसगढ़। पाटन अपने एक राजस्थान के अंदर भी है। तीसरा है कराड, महाराष्ट्र। तीसरा है कराड, महाराष्ट्र। एक कंटोनमेंट बोर्ड होता है, ठीक है ना, उसका भी पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे लिखे, तीसरा लिखो स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्वच्छतम कैंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार ये मिला है देवलाली को, देवलाली को। ये महाराष्ट्र से संबंधित एक स्थान है, देवलाली, कंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार देवलाली को मिला है। दूसरा है अहमदाबाद और तीसरा है महू। दूसरा अहमदाबाद है, अहमदाबाद तो आप जानते ही हो, गुजरात के अंदर है। तीसरा है महू, कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश। ये है तीन तीन का ध्यान रखना है आप, कंटोनमेंट बोर्ड का पुरस्कार। अब जो एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार भी एक बनाया गया है इसके अंदर। तो ऐसे लिखो, चौथा लिखो एक लाख से अधिक, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में, ठीक है ना, पहली शर्त तो ये है एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार। ये नाम देखो, सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार,
जहाँ गंगा नदी आ जाए अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ जो गंगा टाउन पुरस्कार है, मतलब ये उन शहरों को मिलेगा जो गंगा नदी के आसपास है, उनको मिलेगा, जयपुर को नहीं मिल सकता, कैटेगराइज ही नहीं होगा। ये गंगा नदी के आसपास है इस कारण से, क्योंकि आप जानते हो कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी, और गंगा को कितना महत्व दिया जा रहा है। याद करो जब मैंने आपको ज्योग्राफी कराई थी, जब नदियाँ कराई थी, तब मैंने बखूबी उसको करवाया था और खूब करवाया था, लगभग एक 45 मिनट का लेक्चर दिया था आपको ओनली गंगा नदी के बैकग्राउंड पर, ठीक है ना। तो इतनी महत्वपूर्ण है। तो सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है हरिद्वार को। इसमें एक ही याद रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? शाबाश, मैंने सोचा कहीं इसको कहीं यूपी में लेके बैठे रहते हैं क्या। ना 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 ना, यूपी है। कहने की इसमें क्या बड़ी बात है। आइए अब देखिए, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, लेकिन उसमें भी देखो एक पैमाना बनाया गया है कि ऐसे राज्य जिनमें 100 से अधिक यूएलबी है, यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें तो पांचवा पॉइंट लिखिए, पांचवा लिखिए, 100 से अधिक, 100 से अधिक यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी निकाय होते हैं ना वो, शहरी स्थानीय निकाय, 100 से अधिक अर्बन लोकल बॉडीज वाले राज्यों में स्वच्छतम राज्य का पुरस्कार, कंडीशन है ये, वैसे नहीं है सीधा, ध्यान रखना। इसमें उन राज्यों को ही शामिल किया जा सकता है जिनमें 100 से ज्यादा लोकल बॉडीज है, शहरी निकाय। शहरी निकाय क्या होते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह हो गए, वो उनको ही शामिल किया जाता है। उनमें स्वच्छता की दृष्टि से सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है, लिख दीजिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दूसरा है, छत्तीसगढ़ तीसरा है, महाराष्ट्र। आप देख रहे हो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन्हीं का बोलबाला चल रहा है। महाराष्ट्र ये लेटेस्ट है, ध्यान रखना। ये चलिए एक कचरा मुक्त जो शहर है उनके लिए जो रेटिंग है 2018 से शुरू की गई थी, उस संबंध में भी 7 स्टार 5 स्टार ऐसे प्राइज दिए जा रहे हैं। दो कैटेगराइज है, 7 स्टार और 5 स्टार, समझ रहे हो मेरी बात को। कहता ना ये 3 स्टार है, ये 5 स्टार है, 7 स्टार है। तो 5 स्टार तो पहले से मिल रहा है, लेकिन 7 स्टार का दर्जा किसी ने प्राप्त नहीं किया था। इस बार पहली बार इंदौर ने 7 स्टार शहर का दर्जा प्राप्त किया है, कचरा मुक्त की दृष्टि से। अब कचरा मुक्त का क्या मतलब होता है? कचरा मुक्त का मतलब ये नहीं है कि कचरा नहीं होगा, कचरा मुक्त का मतलब होता है कि उस कचरे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, समझे बात को। जैसे अभी वो एक आता है ना रत्सा, अपने यहाँ स्वच्छ भारत अभियान, ले लो ये कचरा वो दे दो, और वो ऐसा ऐसा कुछ बोलता है, एक ही टोकरी में सब नहाएंगे, आता है ना। तो उसमें आप कभी देखना दो कैटेगरी होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन होते हैं बेटा अपने आप में, क्योंकि हम रोजमर्रा देखते हैं लेकिन ध्यान देते नहीं। दो उसके अंदर कैटेगरी होती है, एक ग्रीन कलर की होती है, आप देखना उसको, उसका यूज क्या है, ऐसे झांक झांक के देखना।
पता लगेगा आपको। तो उस संबंध में तो लिख दीजिए, एक तो ऐसे लिखो, स्टार डाल के लिखो, लिखिए कचरा मुक्त शहरों के लिए, कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से प्रारंभ की गई थी। कचरा मुक्त शहरों के लिए रेटिंग 2018 से शुरू की गई थी। इसको ऐसे करो, दो कैटेगरी में डालो। एक है 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, और एक है 5 स्टार कचरा मुक्त शहर। अब वो अलग अलग स्केल है बना रखे हैं इसमें, 7 स्टार है, 5 स्टार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिए जा रहे हैं और पहली बार 7 स्टार मिला है, ये काम की बात है, फिर भी पहले 5 स्टार को निपटा दो। सूरत है, भोपाल है, नवी मुंबई है, सूरत भोपाल नवी मुंबई मैसूर विजयवाड़ा, मैसूर विजयवाड़ा तिरुपति, मैसूर विजयवाड़ा तिरुपति। और 7 स्टार वाला जो है इंदौर, मेरी नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर वाला तो जब, क्योंकि लगातार छठी बार मिला है इसको, तो पहले भी आया हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को आप जानते हो काफी महत्व दिया जा रहा है, उस दृष्टि से ये जो पूरी लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। कैटेगराइज आपसे पूछ लेगा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा है, आप इंदौर पर टूट पड़ोगे, जबकि वो गलत हो जाएगा, क्यों, हम इंदौर ही जानते हैं, इसे ज्यादा नहीं। तो इसके लिख दीजिए, भारत का पहला शहर जिसे 7 स्टार कचरा मुक्त, जिसे 7 स्टार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग प्रदान की गई है। ठीक, क्या चीज, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर की रेटिंग प्रदान की गई है। आ गया ना, देखो क्या है ये, क्या है, अरे यार अच्छा मौका, अच्छा मौका है, नहीं नहीं देख वास्तव आज तो आपके बाल सूख गए होंगे, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कल आपको पता ये कह रहा था मैं, सर लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे बाल नहीं सूख रहे, अक्सर ये शब्द मैंने महिलाओं के मुंह से सुने कि आज है नाता नहीं हो क्या, अरे आजकल तो चल जाता,
कोई बड़ी बात नहीं, सर्दी आ गई ना, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, हमारा लाडला स्टूडेंट है, अभी इसके साथ मजाक करने का अधिकार हमें ही है और किसी को नहीं है, कहीं जाके पकड़ लो इसको, ऐसे नहीं करना। चलिए एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, वापस आओ इस पर। ये एक तो ऐसे लिखो, सातवें है ये ध्यान रखो, सातवां सर्वेक्षण है ये। आजकल क्या है, इस टाइप के अंदरूनी क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, सातवां है ये और 4355 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया, 4355 ऐसे लिखना, यहां पे लिख दो शामिल शहर, अरे यार ये गाना बढ़िया है यार, इतने पढ़ दिन ना उत्थे पढ़ दिन बोलो तारा रारा, ऐसे हमारे टाइम चलता था, ऐसे होता था पहले, पहले गाना चलता था बोलो तारा रारा, हमारे टाइम का गाना है ये, मेरे को आज तक पसंद नहीं आई थी, आज तक 4355 है ये। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला सर्वे कब किया गया था, 2016, लिख दीजिए यहां पर, पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया, पहला सर्वेक्षण 2016 में किया गया, करता कौन वो देखो उधर कौन, ऐसे तो पुरस्कार राष्ट्रपति देता है, लेकिन ये जो सर्वे करने का काम तो ये करेगा ना, मंत्रालय थोड़ी आएगा, जो सर्वे करेगा उसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, फिर आपने देता है पकड़ लिया, जारी नहीं किया, जारी को नहीं पकड़ा, पब्लिक में वो भी तो है। चलिए ठीक है, अब आप देखिए, आप जान रहे हो कि मैंने एक लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया था, जो दलित वर्ग के लोग हैं, एसटी एससी एसटी जो है, विशेष रूप से दलित, इनका क्या शोषण होता है, शोषण होता है तो ये क्या धर्म को बदल देते हैं, ठीक है भाई, मैक्सिमम ये क्या है बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। मैंने एक लेक्चर भी प्रोवाइड करवाया था आपको इस टाइप का, एक राजस्थान में घटना घटित हुई थी, तो लगभग 250 परिवारों ने क्या है, वो जो दलित थे उन्होंने ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसे मान लीजिए दलित है, वो जो धर्म परिवर्तन करके जैसे बौद्ध धर्म में चले गए, तो क्या फिर इनको क्या है एससी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये घटना आप आसपास अखबारों में पढ़ रहे हैं। अब इस संबंध में क्या है, बात उठने लगी कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप, भाई हमारी जो जाति है, जाति तो वही है, हम तो धर्म बदल रहे हैं, और धर्म और जाति दोनों अलग अलग चीज, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई हम यदि धर्म बदल रहे हैं तो एससी का दर्जा कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एससी तो मुस्लिम में भी आते हैं, उसमें भी तो एससी आते हैं, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो एक पुराने मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सीजीआई केजी बालाकृष्णन, नाम सुना होगा कभी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो केजी बालाकृष्णन समिति है ये किसके लिए है, ठीक है, ये छोटी सी बात, अब आगे क्या रिपोर्ट देते हैं वो बाद की बात है। आइए नया पॉइंट लिखिए, लिखिए लिखिए धर्मांतरण
धर्मांतरण करने वाले दलितों को एससी शेड्यूल कास्ट एससी का दर्जा देने पर विचार करने से संबंधित आयोग के अध्यक्ष, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आयोग के अध्यक्ष ये है जस्टिस के जी बालाकृष्ण। जस्टिस के जी बालाकृष्ण सदस्य वगैरह है, और उसमें सदस्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अध्यक्ष ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस आयोग का मतलब क्या है, ये काम ही ये हो गया और इस आयोग का नाम ही ये हो गया। आपसे ये कहा जा सकता है बालाकृष्ण आयोग, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जो समितियां होती है, आयोग होते हैं, उनमें क्या इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूरा नाम नहीं देगा, कहेगा बालाकृष्ण आयोग का संबंध किससे है, ठीक है। जैसे आपके कई बार क्वेश्चन रहता है लिंगदो समिति का संबंध किससे है, ऐसे इसमें लिखो, एक लाइन लिखो, यह आयोग इस बात का अध्ययन करेगा, कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे दलित यदि हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को अपनाते हैं, तो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। क्लियर होगी बात सारी। अब एक बात और बताने जा रहा हूं आपको, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, आंकड़ों के रूप में है ये। और ये क्या है कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा है। एक आंकड़ा दिया है, ठीक है, और आंकड़ा दिया है, और वो भी विशेष रूप से आपको मैं बता दूं, ऑथेंटिक आंकड़ा है और एक विशेष दिवस के अवसर पर दिया गया है। लिख दीजिए अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, एक अक्टूबर, तो यहां पर एक आंकड़ा है अपने पास, 100 वर्ष से
अधिक उम्र के भारतीय मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के भारतीय मतदाता, ये जो है ये है 2.5 लाख से अधिक, ये ध्यान रखना है आपने, 100 वर्ष से ज्यादा है इनकी आयु जो है, 100 वर्ष से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है, आइए देखो ये क्यों चर्चा में है और मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट बताया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिवस पर जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सोच के तो आराम से बताए, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, राजीव कुमार है, ठीक है ना, ध्यान रखना। उन्होंने इनको पत्र लिखा है और चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र में इनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सीईसी, छोटी मोटी तो बात होती नहीं है, उसने यदि इनको पत्र लिखा है और आभार व्यक्त किया है तो कोई हैरत की बात नहीं है कि आपके ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता कितने हैं। अब यदि आपके ये स्किप हो गया तो आप इसके लिए यही कहोगे, अरे यार ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसने तो ये पूछ लिया कि यार 100 से ज्यादा मतदाता कितने हैं, कल को कह देगा 50 से ज्यादा कितने, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब ये घटना घटित हुई है तो पूछा नहीं जा सकता, हकदार बन जाता है वो, यही होता है। हर क्वेश्चन के पीछे का अपना एक बैकग्राउंड होता है, कोई मुंह चक्के कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ध्यान रखना। ये एक अलग बात है कि हमें उसकी पहचान नहीं होती, वो एक अलग बात होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 2.5 लाख से ज्यादा है। तो इसमें एक लाइन लिखो, लिखिए, इन्हें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्र लिखकर मतदान की प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है, योगदान देने के लिए आभार व्यक्त किया है। चले आइए, आपने BCCI का नाम सुना होगा, BCCI, मेरे से ज्यादा आप जानते हो। इन्होंने एक प्रावधान किया है, या ये भी कह सकते हो एक आदेश दिया है, या ये भी कह सकते हो एक नियम लागू किया है कि जो महिला क्रिकेटरों की फीस है क्योंकि जो मैच फीस है वो की मैच फीस इसके बराबर कर दी,
महिला क्रिकेटरों की फीस जो है इसके बराबर कर दी। बराबर कर दी। चलिए आगे, थोड़ी सी अब फीस इनकी इंपोर्टेंट हो जाती है, उनको देख लीजिए। मेन मेन जो होते हैं आप जानते हो, एक तो होता है टेस्ट मैच, यही होता है क्या ज्यादा? तो देखो मैं इनके बारे में जानता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं क्योंकि आपका जीवन इन्हीं में गुजरा हुआ है। वन डे मैच और T20 अंतरराष्ट्रीय मैच, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच। जो टेस्ट मैच के लिए है वो तो है 15-15 लाख, टेस्ट मैच के लिए जो है 15-15 लाख है। वनडे के लिए है 6-6 लाख, और ये है 3-3 लाख। ये 3-3 है, 3.3 मत कर देना। हाँ? अरे कर लो यार, आप लिख लो यार, ये मैच की फीस होती है, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, टेंशन मत रखो किसी चीज की। चले, एक तो ये पॉइंट बन जाता है, एक पॉइंट ये बनता है कि महिला व पुरुष क्रिकेटरों के लिए मैच फीस, ठीक है ना, मैच फीस शब्द है। अब मैच फीस का मतलब क्या होता है? उस मैच की फीस, ऐसे नहीं कि एक एक क्रिकेटर आएगा, समझे ना, पूरे मैच, मैच के अंदर खिलाड़ी होते हैं, ये नहीं है कि तू भी पंद्रह दे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मैच का मतलब क्या होता है? टीम, तो वो टीम की फीस है, ठीक। और इस प्रकार का जो समानता का प्रदर्शन करने वाला है, इसे वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में आप देख सकते हो, महिला सशक्तिकरण, तो इस दृष्टि से भारत जो है दुनिया का दूसरा देश। अब क्वेश्चन फिर उठ गया, पहला कौन सा है? न्यूजीलैंड है, लिखिए, कोई बात, ऐसे लिखिए, नई लाइन से लिखो, मैच फीस समान करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। भारत दुनिया का दूसरा देश, दूसरा लिख दीजिए, सॉरी, हाँ, पहला है न्यूजीलैंड। अच्छा खेलता है क्या ये? अच्छा, न्यूजीलैंड। एक मेरे पास दो सन है, मुझे लगता है आपके एग्जाम में वो आ सकते हैं, तो आप ऐसे करो, स्टार डाल के लिख ही लो इनको, लिखिए, भारत की महिला टीम ने, भारत की महिला टीम ने पहला टेस्ट मैच
पहला टेस्ट मैच 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। फिर लिखो, पहला वनडे मैच, पहला वनडे मैच नाइनटीन सेवेंटी एट में, नाइनटीन सेवेंटी एट में वर्ल्ड कप में खेला, वर्ल्ड कप में खेला। वर्ल्ड कप में खेला, ठीक। तो मैंने जो करंट था वो आपको बता दिया। अब आप ऐसे करो, एक हेडिंग डालो बीसीसीआई, बीसीसीआई, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, लिख दीजिए स्थापना। बताएगा कोई? कोई बताना चाहे? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस लिख दीजिए मुंबई, हेड ऑफिस जो है मुंबई। फिर लिखिए प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है, इसीलिए करवा रहा हूँ। हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं। रोजर बिन्नी, ये कैसा नाम है भाई इसका? बिन्नी तो है, अच्छा, बी आई एन एन वाई। लो बिन्नी, अपने तो भारतीय नागरिक है। अभी जो बच्चा बोल रहा था रोजर बिन्नी, इसको लिख दो। ये ऐसा कैसा नाम है इसका? ये आपकी तरह क्यों नहीं है इसका नाम है? क्या बिगड़ गए क्या लोग? लिखिए सीईओ, सीईओ हेमंग अमीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ये, हिंदी में इनको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर लिखो वाइस प्रेसिडेंट, यहां लिखो
ये हैं राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला। सेक्रेटरी है जय शाह। ये तो अमित शाह का लड़का नहीं है क्या? उसी का तो, वो तो कहते हैं ना वंशानुगत, वंशानुगत नहीं होता ऐसे, कोई वंश बोलते रहते हैं ना। अच्छा, नहीं नहीं वो कहते रहते हैं इसलिए मैंने कहा, नहीं तो वो तो कोई बात नहीं। बीसीसीआई का उससे क्या लड़ देना, उसका तो अपना कोई काम होता होगा। चलो होता है आदमी वही कहने करने में तो होता ही है। लिखिए मेन जो पुरुषों की टीम है उसके कोच कौन है? राहुल द्रविड़। लिख दीजिए यहां लिखिए बात मत करो बेटा, बात मत कीजिए। राहुल द्रविड़ और महिला टीम के जो कोच है ये है रमेश पवार। चलिए और तो क्या बची है, एक चीज और। ऐसे लिखिए राष्ट्रीय आत्महत्या निरोधक रणनीति। राष्ट्रीय आत्महत्या निरोधक रणनीति लिख दीजिए। वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक आत्महत्या के कारणों में, वर्ष 2030 तक आत्महत्या के कारणों में भारत सरकार के द्वारा कमी की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा कमी की जाएगी। ठीक, चलिए एक सोलोमन द्वीप है ये चर्चा में है, एक हेडिंग डाल दीजिए, ऐसे लिखो सोलोमन द्वीप। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ विष्णु, अभी क्लास में
लिखिए, इस द्वीप पर 22 नवंबर 2022 को सात पॉइंट जीरो तीव्रता का भूकंप आया है, 7.0 तीव्रता का भूकंप आया है। देखिए, जब हम मैप देखते हैं तो आपने कभी नाम देखा होगा पापुआ न्यू गिनी, याद करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको करवाता भी हूं। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मेलानेशिया द्वीपों का एक समूह है, उसमें यह है स्थित एक देश है। ठीक है, लिखिए, ऐसे लिखो, मेलानेशिया में स्थित एक देश, आप कह सकते हो द्वीपीय देश। और ये जो मेलानेशिया है, ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है। याद करो, जब मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कराई थी तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ध्यान रखना। ये जो सोलोमन द्वीप है, जो कि एक देश है, इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है होनियारा। होनियारा, होनियारा इसकी राजधानी है। होनियारा। और ये जो है होनियारा, ये ग्वाडल कैनाल द्वीप पर है। ग्वाडल कैनाल द्वीप पर है। अब एक पोर्टल के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं। MAARG, मार्ग पोर्टल, MAARG, मार्ग पोर्टल। देखिए, इसमें जो ये जो मार्ग पोर्टल है, ये आपका वैसे तो नाम ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन नाम से क्या है आप समझ जाओगे इसको, भाई क्या चीज है ये। तो इसमें जो M का मतलब है, लिखिए, मेंटरशिप। जो M है इसका मतलब है मेंटरशिप, M का मतलब मेंटरशिप है। A का मतलब है एडवाइजरी, फिर दूसरे ए का मतलब है असिस्टेंस, एडवाइजरी है, असिस्टेंस है। आर का मतलब है रीसाइलेंस, रीसाइलेंस। जी का मतलब है ग्रोथ,
जी का मतलब ग्रोथ, इसमें लिखो यह है स्टार्टअप से संबंधित है, यह स्टार्टअप से संबंधित है। आगे अरे मैं वेट कर रहा हूं। चाहे स्टार्टअप से संबंधित है, इसमें लिखो इसके तहत आवेदन किया जाता है, नाम से ही देख लो, इसके तहत आवेदन किया जाता है। तो देखो यहां पर इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनता है कि मार्ग पोर्टल का संबंध किससे है, तो स्टार्टअप से इसका संबंध है और स्टार्टअप काफी महत्वपूर्ण होता है। चलिए करंट में इतना ही करेंगे आज अपने।